सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं एसिड ये आप पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस ये भी आप पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है यानी सॉल्ट बनाने के लिए एक एसिड होना कंपलसरी है एक बेस होना कंपलसरी है तब जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें सपोज मान लीजिए हमारे पास है H2SO4 ये कोई एसिड है और बेस ले लें बेस लाइक NaOH ये हमने बेस ले लिया इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट क्या बनेगा वो थोड़ा देखें तो जो बेस है इस बेस का जो कैटायन है पॉजिटिव आयन है इसको हमें लेना है और जो एसिड है उसका एनायन लेना है और इन दोनों को कंबाइन करना है मतलब NaO सल्फेट को कंबाइन करना है NaO सल्फेट को कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा Na2SO4 नॉर्मली हम सोचने लगते हैं कि सॉल्ट बनेगा NaSO4 पर फॉर्मूला राइटिंग पढ़े थे आपने क्लास 9th में तो सोडियम सल्फेट फॉर्मूला होता है Na2SO4 ये सॉल्ट का एग्जांपल हुआ इसमें वाटर भी रिमूव होगा वो हम इक्वेशन बैलेंस भी कर सकते हैं वो रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको भी हम पढ़ चुके हैं बट उसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है अभी तो हमने सॉल्ट को बना लिया ये एग्जांपल इसी एग्जांपल्स के बेसिस पे हम देखें तो सॉल्ट को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स फर्स्ट टाइप में यदि हम चलें तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है एसिडिक सॉल्ट्स एंड थर्ड टाइप हमारा आता है बेसिक सॉल्ट्स इस तरह से हमारे 3 टाइप्स बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है न्यूट्रल सॉल्ट्स में एसिड तो हमें लेना है पर ध्यान रखिए कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस तो हमें लेना है पर ध्यान रखिए कि जो बेस लेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है इनसे जो हम सॉल्ट बना रहे हैं सॉल्ट KCl तो दिस KCl सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे एंड न्यूट्रल सॉल्ट की जो pH वैल्यू होती है ये pH वैल्यू इक्वल्स टू 7 क्योंकि न्यूट्रल के लिए pH वैल्यू 7 तो जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट्स आएंगे सबके लिए pH वैल्यू 7 मिलेगी ठीक ऐसे ही एसिडिक सॉल्ट्स में चलते एसिडिक सॉल्ट्स बोला एसिडिक मतलब सॉल्ट में एसिड का पोर्शन ज्यादा है एसिड का पोर्शन ज्यादा होने का मतलब जो हम एसिड यूज कर रहे हैं वो हमें स्ट्रॉन्गर एसिड देना होगा एंड स्ट्रॉन्गर एसिड के रिलेटिवली जो हम बेस यूज करेंगे वो वीक बेस होना चाहिए भाई ये वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग की कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिखेगी तभी वो सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट एंड जो एसिडिक सॉल्ट है इसके लिए कोई एग्जांपल ले लें स्ट्रॉन्गर एसिड लाइक HCl वीक बेस लाइक NH4OH ये वीक बेस होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इन दोनों को हम कंबाइन करें सॉल्ट बनाए तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इसे हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है एंड एसिडिक सॉल्ट है तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी ये pH वैल्यू लेस देन 7 आपको मिलेगी क्योंकि लेस देन 7 एसिड के लिए है इसलिए एसिडिक सॉल्ट्स की pH वैल्यू लेस देन 7 मिलेगी लास्ट में है बेसिक सॉल्ट्स जो बेसिक सॉल्ट्स हैं नाम से कंफर्म हो रहा बेस बेस की कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी इसका मीनिंग जो बेस हमें लेना है वो स्ट्रॉन्ग लेना है स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करो और उसके रिलेटिवली जो एसिड होगा ये वीक होना चाहिए तभी तो स्ट्रॉन्ग की कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिखेगी कोई एग्जांपल हम कंफर्म करें वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड ये वीक एसिड होता है जो विनेगर में भी होता है तभी तो हम विनेगर को खा लेते हैं सो एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा CH3CONa ये हमारा बेसिक सॉल्ट होगा नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम एसिटेट ये है बेसिक एंड इसकी जो पीएच वैल्यू रहेगी ये मोर देन 7 होगी क्योंकि बेस के लिए मोर देन 7 वैल्यू रखती है यहाँ वैल्यूज मोर देन 7 इस केस में लेस देन 7 यहाँ पर इक्वल टू 7 अच्छा अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस स्ट्रॉन्ग है
तो उसमें आपको देखना पड़ेगा पीएच वैल्यू ज़्यादा है या कम है, मतलब पीएच वैल्यू यदि 10 से ऊपर है तो हम बोलेंगे बेस स्ट्रॉन्ग है, 10 से बिलो है मतलब 7 तक है, 7 टू 10 के बीच में है तो वो वीक बेस में काउंट होगा। ठीक वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हम कैसे काउंट करेंगे, 0 से 3 तक की जो वैल्यू रहेगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मानी जाएगी और 3 से अबव 7 तक जाएंगे तो वो वीक एसिड में काउंट की जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स या क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। थैंक यू।